अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं अपने रमज़ान रूटीन के। रमज़ान में जो है रोज़ाना तो ऑलमोस्ट सेम ही रूटीन होती है, लेकिन हम आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सहरी में यूजुअली जो मेजोरिटी जो है वो लोग पराठे खाते हैं, लेकिन हम लोग पराठे नहीं खाते क्योंकि एज़ यू नो हम लोग थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं, तो इसलिए हम लोग रोटी खाते हैं। और इस टाइम सब लोग सो रहे होते हैं, जब मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ तो फिर मैं सबको उठाती हूँ। और वैसे भी आजकल बच्चे रोज़ा नहीं रख रहे हैं, बच्चे थोड़ा गैप दे दे कर रोज़ा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे रमज़ान की रूटीन। वैसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं, लेकिन आज की जो रूटीन है हमारी, एक गिलास लस्सी, 2 eggs और पीनट बटर ब्राउन ब्रेड के साथ। तो मैं तो ये करता हूँ, थोड़ा डाइट की सहरी करता हूँ, तो ये हेल्दी भी है और टाइट भी है। एग वगैरह फ्राई मैं नहीं खाता, ये खाती हैं। टी मैं नहीं पीता, ये पीती हैं। बढ़िया। और सबसे पहले पीजिए पानी, जो मैं पी चुका हूँ। वैसे तो सहरी का मज़ा अपना ही है, पराठे, अंडे, कोई रात की कढ़ाई, सालन, कुछ भी हो तो मैं भी यही करा करता था। आजकल मैं ज़रा डाइट करता हूँ। डाइट जो है दिल मारना पड़ता है अपना। मैंने पूरे रमज़ान जो है पकोड़े, समोसे और रोल्स वो आज ही लगाया, खा लिया होगा एक आध बाइट रोल या समोसे का तो खा लिया होगा, वरना तो मैंने ये चीज़ें नहीं खाई। ये चीज़ें देखें, ब्राउन ब्रेड। जब सहरी का टाइम खत्म होने वाला है तो ओके, मिलते हैं सहरी के बाद। तो दोस्तों सहरी का टाइम अभी बिल्कुल एंड पर है। तो सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे देखें, एक ग्लास लस्सी का पी चुके हैं और दूसरा शुरू हो रहा है। मैं चाय नहीं पीता। और जय बॉइल एग और फ्राई एग और सब कुछ फिनिश हो चुका है, हमें चाय भी फिनिश हो चुकी है। जल्दी से पी लें, ब्रश करते हैं और फिर नियत करते हैं। हाँ, ब्रश भी करना है। क्योंकि ये मगफरत का अशरा है, इसलिए हमें अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो हो सके जितनी भी आपसे तो आप तस्बीह इस्तग़फ़ार की किया करें। और यहाँ पे मेरा कुरान पाक आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, तो भी कल से मैं नया कुरान पाक स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों अभी हो चुकी है सुबह और हम उठ के थोड़ी सी घर की करेंगे क्लीनिंग, बच्चों को उठाएंगे, उन्हें नाश्ता कराएंगे और फिर उनके गारी साहब के आने का टाइम हो गया। कौन सा बच्चा उठ कर आ गया है? ये कौन सा बच्चा उठ के आ गया है? उठ जाए, ब्रश कर ले, ठीक है? ठीक है। नाश्ता करना है? What do you want to eat? क्या लेंगे आप ब्रेकफास्ट में? जल्दी बताएं जल्दी। अंडा। अंडा और फ्रांटोस। चले ठीक है, आप जल्दी से ब्रश करें, ठीक है, फेस वॉश करें, तो मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ। ठीक है, चलो आप फिनिश करना है जल्दी जल्दी से, इनके स्कूल पढ़ाई करनी है। करवाए हैं हेयर कटिंग कल, तो मानो को देखिए, मानो
और अब्दुल्ला के भी हेयर कटिंग हो गए। अब आप लोग हमें बताइएगा कि हमारे बच्चे कैसे लग रहे हैं हेयर कटिंग मान या बने के भी बाल शॉर्ट करवा लिए हैं महारू अब्दुल्ला के भी, तो अब बच्चे क्यूटी क्यूटी लग रहे हैं ना वानिया एस गणेश। और जल्दी निकलो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और बच्चों ने पढ़ लिया है मदरसा भी और ट्यूशन भी, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? कारी साहब तो आ जाता है ना पढ़ाने के लिए, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इम्तियाज। हमें कुछ मीट वगैरह लेना है वहाँ से। ओहो तो हम सब जा रहे हैं और उन्होंने रोज़ा नहीं रखा आज के, हमें चिड़ा चिड़ा के खा ले लें। चले चले फिर चाबी, गाड़ी की चाबी, ये मिल गई गाड़ी की हमारे को। चले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इम्तियाज इम्तियाज से जाके हमें गोश्त वगैरह लेना है, थोड़ा सा सामान लेना है और इनके लिए फ्रोजन सामान लेना है। चले तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं इम्तियाज की तरफ और रोज़ा है, रोज़े में गर्मी हो रही है, गर्म हो रही है गाड़ी और आग निकल रही है, बहुत गर्म हो रही है गाड़ी, धूप में खड़ी हुई थी हमारी गाड़ी। वैसे घर के पास जो है बिल्कुल साया होता है, लेकिन मैंने कहीं और खड़ी कर दी थी, हमारी जगह पर किसी और ने गाड़ी खड़ी की हुई थी, इस वजह से हमारी गाड़ी आज हो रही है गर्म, बहुत गर्म हो रही है। एसी भी खोलूँगा तो वो गर्म हवा फेंकेगा भी, तो थोड़ी सी हवा लगे गाड़ी को तो फिर वो ठंडी होगी। तो मैं आपको ये कह रहा था, आपको इम्तियाज से जो सामान लेना हो अपना फ्रोज़न वो ले लीजिएगा, और रास्ते में स्वाद आता है क्या वो आता है क्या नाम है नफीस स्वीट्स, तो उससे समोसे रोल जो लेना हो लेना, इसलिए मैं तो करता हूँ डाइट, मेरी वजह से आप लोग भी नहीं खा पाते हो, तो हम लोग जो है चाट दही बड़े पापड़ी ये चीज़ें खा लेते हैं। तो उसे दोस्तों बड़ा अवॉइड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बाहर की चीज़ें मत खाएँ, तो फिर भी लोग तो लाइन लगा के ले रहे होते हैं। हम देख लें आज 17वां 18वां रोज, तो हमने अभी तक जो है बाहर का एक दावत में अगर हमने समोसा इन लोगों ने खा लिया तो खा लिया हो, मैंने फिर एक बाइट लिया होगा बस, इसके अलावा नहीं। तो मैंने जो भी है अभी रास्ते में ले लेना, तो तुम्हें जो लेना हो भाई ले लेना रास्ते में स्वाद से। मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि अगर सब खाए तो फिर मैं बनाऊँगी ना। नहीं तो आप खा ले करो, बना ले करो पकौड़े घर के और रोल वगैरह जो तुम बनाती थी घर पर पहले, तो अभी बना लो वो खा ले करो, तुम खुद मना कोई करता हूँ मैं, खाया करो लेकिन बस मेरे से छुप के। आई लव यू फैसल। दिल्ला आपको रोज़ा लग रहा है? जी रोज़ा है आपका? जी चले जी, मीट हमारा आ गया है। क्या है ये, मटन है? मटन लेके आया, मटन पुट लेके आया हूँ, चापे लेके आया और जो है मिक्स वो लेके आया हूँ, गोश्त मटन का और कीमा लेके आया हूँ। और ट्रैफिक तो बहुत बहुत ट्रैफिक हो रहा है गाइस, ट्रैफिक और ये है पेट्रोल टाइम और यहाँ पर भी बहुत रश है। पेट्रोल पे भी रश है, रोड पे भी रश है, हर जगह पे रश है। और बस आज आपको दिखाएंगे कढ़ाई बनाते हुए, हांडी के अंदर कोई मटका कढ़ाई, कोई कोइन से कढ़ाई शायद मैं बनाऊं, तो आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना है और कोशिश करूंगा मैं ही बनाऊं, तो मज़ेदार वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो कढ़ाई भी बनाऊंगा ज़रूरी। आज हमारे लिए पूरा रश का दिन है। हमारे लिए रश का दिन क्यों मुन्नी, आज रश का दिन क्यों है? क्योंकि रास्ते में भी वाकई बहुत रश है। टाइम पैसा चले जाते हैं जिम और हम करते हैं अपनी तैयारी इफ्तार की, तो चीज़ें रेडी होती जा रही हैं। सबको उनकी मफ़रत अता फरमाए, उनका अपना रहमत फरमाए।
बन रही है उसके साथ हमने रात की डिनर की तैयारी करनी है। तो आज हम बना रहे हैं मटन का जर्सी कढ़ाई, तो ये बहुत ही इजी होती है। तो हम गोश्त चढ़ा देते हैं, जब तक हम छत पे चाय वगैरह पियेंगे तब तक गोश्त गल जाएगा, फिर हम कढ़ाई रेडी कर लेंगे। तो कढ़ाई हम अपनी बनाएंगे मिट्टी की हांडी में, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा सा आता है। तो मटन हमने जो वॉश कर लिया है, हम सबसे पहले इसमें मटन डालेंगे, और मटन डालने के बाद इसमें 2 ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे, क्योंकि हमारा मीट कम है इसलिए हमें 2 ग्लास वाटर ही चाहिए होगा। और इसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे। तो ये इंतहाई आसान है, और जब गोश्त गल जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जल्दी से हम इसमें डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको फिर हम कवर करके और फिर गोश्त गलने के लिए रख देंगे। चाय हमने पी ली, अब हम चेक करते हैं अपनी कढ़ाई की क्या हाल है। तो गोश्त तो माशाल्लाह से गल चुका है पूरी तरह, और ये मेड फॉर 2 पर्सन है तो इसलिए इतना सा है। तो बच्चे जो है ना, वो मीट वगैरह ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, वो चिकन ही ज़्यादा खाते हैं, बीफ या मटन वगैरह नहीं इतने शौक से खाते। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम इसमें जो ये टमाटर हमने कट करके रखे ना, तो ये हमने इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है, और हम इसको स्टीम में थोड़ा सा पकाएंगे, तो इसका जो है वो पील हो जाएगा ये खुद ब खुद ही ना। हम इसका छिलका अलग कर लेंगे, और फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसका टमाटर का मैंने पील सारा निकाल दिया, अब हम इसमें सारे जो है वो मसाले थोड़े बहुत इसमें डालते हैं वो ऐड करेंगे, और हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। और इधर आए, कहाँ गए आप? ये बनाने वाले थे कढ़ाई, और ऊपर जाके छत पे बड़ी मजे की हवा चल रही थी, और अब थोड़ा सा कढ़ाई बना लें हम भी। थोड़ा सा जो है ना ऑयल ऐड करेंगे, और इसमें मसाले जाएंगे। बहुत मज़ेदार अभी रेसिपी वाली कढ़ाई बनने वाली है। सॉल्ट हम कम ही यूज़ करते हैं, मसाले भी कम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कढ़ाई और हमारी हांडी जो भी हम बनाएं बड़ी ज़बरदस्त बनती है। नमक जो है कम ही खाना चाहिए। ये भुना हुआ जीरा है, ऐड करेंगे इसमें जी, और ऐड करेंगे टमाटर को ना, अपने पेस्ट बना लेना, और ये ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। बोटियां जो है ना वो टूटनी नहीं चाहिए इस तरह। वेरी गुड, बोटियां नहीं टूटनी चाहिए, टमाटर टूटने चाहिए ना। जी, ये मैंने दबा दी टमाटर। वेरी गुड आमिर, सुन रहे हो ना बेटा, देख रहे हो ना कढ़ाई कैसे बन रही है। तैयारी कर लो, तुम्हें तो तैयारी है वैसे। चर्सी कढ़ाई अगर आप बाहर खाने जाएंगे, कम से कम ये कढ़ाई जो है आपको 2,000 रुपए की कढ़ाई मिलेगी। चर्सी कढ़ाई किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, और बड़े किसी रेस्टोरेंट में चले गए, कम से कम ये इसके 3,000 रुपए लेते हैं। अभी हम लोग गए थे कौन से रेस्टोरेंट, दुआ रेस्टोरेंट, इतनी कढ़ाई के हमारे से 2,000 रुपए लिए थे सिर्फ कढ़ाई के। और इसमें तो हमने गोश्त बिल्कुल साफ सुथरा माशाल्लाह बिल्कुल दलवाया, लेकिन वो भी गोश्त अच्छा था। तो कढ़ाई हमारी जो है ना वो भून चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चिली और थोड़ा सा लेमन जूस, और बस इसको गर्मा गर्म हम नान के साथ खाएंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों हमारी कढ़ाई बन चुकी है, अभी हम खाने के लिए बैठ चुके हैं, छत पे हवादार छत माशाल्लाह। तो यहाँ पर हमें खाने में बहुत मज़ा आता है, और बेहतरीन सी कढ़ाई हम लोगों ने बनाई है, ज़्यादा तो इन्होंने बनाई है, मेरे से हिलाई है। तो आपको खा के बताते हैं कि, और जिंदाबाद मुबशर। वेरी गुड बच्चों, मानो अभी बहुत ज़बरदस्त बनी है। Yeah.
यार तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, बाहर की भी कराएगा। चलें तो व्यूवर्स, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज का ब्लॉग कैसा लगा। बेहतरीन, हमारी रमज़ान रूटीन। और इसी के साथ ही को गला दिया, हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। इसी तरह आपको वीडियो बना बना के हम देते रहेंगे। अभी हम थोड़ा थक गए थे रमज़ान में, तो इसलिए वीडियो हमारी आ नहीं रही थी। तो रमज़ान के बाद हमारी प्लान है, तो हम लोग पाकिस्तान टूर में भी जाएंगे, तो वहाँ की आपको वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी तो हम खाना खाते हैं और आप भी मज़े करें हमारे साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।